ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव आयोग ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रचार पर कर्फ्यू लगा दिया है। मतलब यह है कि आयोग ने कहा है कि किसी भी राज्य में पार्टियों को रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। इन चुनावों में 15 जनवरी तक किसी भी नुक्कड़ सभा व साइकिल रैली या बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी और केवल डिजिटल रैलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आयोग के इस फैसले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खासा नाराज दिखे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि वर्चुअल रैली के मामले में हम भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। आयोग को आर्थिक मदद करनी चाहिए और टीवी पर ज्यादा स्पेस दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग के रैलियों पर रोक लगाने और डिजिटल और वर्चुअल रैलियां करने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि अगर चुनाव आयोग यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों के लिए वर्चुअल रैलियों के पक्ष में है तो आयोग को इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान खेल मैदान बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पहली बार कोरोना के समय में इस तरह से चुनाव हो रहा है। आयोग ने कई तरह के नियम बनाए हैं, लेकिन वर्चुअल रैलियों की हम बात करें तो आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास वर्चुअल रैली के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांग गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनके शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना, इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।